कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति दिवस पर श्रीनगर में पहुंचने के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल की ओर से एक अभिनव उपक्रम किया गया, वो क्या है आइए जानते हैं। सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष विलास बापू अवताड़े, अध्यक्षा सविताताई जाधव, सांसद बाड़ू धानोरकर, जिला अध्यक्ष सूर्यकांत खनके के मार्गदर्शन में और महिला जिलाध्यक्ष स्वाति त्रिवेदी के नेतृत्व में लेखी पुस्तक वितरण तथा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को अहिंसा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति दिवस पर जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में पहुंच गई और इसी के साथ 3500 किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की गई है। इस उपलक्ष्य पर चंद्रपुर जिला महिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो को माल्यार्पण कर पत्रक बांटकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई और खालसा कॉन्वेंट स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को लेखी पुस्तक का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से खालसा कॉन्वेंट की मुख्य अध्यापिका सिमरन साहनी, वरिष्ठ स्टाफ माया नागपसे, वरिष्ठ अध्यापिका वर्षा हिचरलावार, अध्यापक वैभव मोडकवार, सेवादल महिला जिला उपाध्यक्ष मुन्नी मुमताज शेख, सेवादल शहर अध्यक्ष शिरीष तपासे, तालुका अध्यक्ष सागर वानखेड़े आदि उपस्थित थे। वहीं इसके संबंध में सेवादल की महिला जिलाध्यक्षा स्वाति त्रिवेदी ने क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। नमस्कार, आज महात्मा गांधी जी का स्मृति दिवस है और कुछ ही महीनों पहले सितंबर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर ये यात्रा समाप्त हुई है। 3500 किलोमीटर चलकर सफलतापूर्वक राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को संपन्न किया है और श्रीनगर में भारत का झंडा फहराया है। तो इस उपलक्ष्य में आज चंद्रपुर जिला महिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पत्रक बाँटप किया गया। साथ ही खालसा कॉन्वेंट स्कूल में कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को लेखी पुस्तक का वितरण किया गया, और इस पत्रक के द्वारा जो राहुल जी ने संदेश देने की कोशिश की है, भारत को जोड़ने की कोशिश की है, सच्चाई बताने की कोशिश की है, तो हमने भी यही कोशिश की इस पत्रक के द्वारा कि लोगों में सच्चाई पहुंचे कि आज जो देश का हाल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो इन सब मुद्दों को उजागर किया है और इस पत्रक को हम आगे भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूरे चंद्रपुर जिले में चलाएँगे।